पंचुअलिटी क्या होती है संगीत में और क्या संगीत का पंचुअलिटी से लेना देना है या नहीं है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और क्या होता है पंचुअल आदमी का एक पर्सनालिटी जो कि म्यूजिक में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है या नहीं होती है, उस पर हम जानना चाह रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि पंचुअलिटी क्या चीज होती है। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। साहब की ये गजल है जो कि मेरे द्वारा कंपोज की गई है, जल्द आप इस चैनल पे इसे सुनेंगे। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है आपने टाइटल और थंबनेल से जाना होगा और थोड़ा अजीब टॉपिक है, इस पर कभी किसी ने बात नहीं करी, मगर क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचुअल होना यानी वक्त का पाबंद होना, वक्त पे आना, वक्त पे जाना, कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो शेड्यूल में करना उसे, और कोई काम शुरू करना तो वक्त पे करना है ना, हर चीज़ आपकी डिसाइडेड है, एक वेल मैनेज्ड है। अगर ये सारी चीज़ें एक इंसान में होती हैं तो क्या उसका संगीत में कुछ फ़ायदा होता है, आज हम उस पर जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि संगीत में लय, ताल, ये जो है ये समय को दर्शाते हैं, है ना। हमारे म्यूज़िक जो एक म्यूज़िक वाले की एक खासियत होती है जो किसी में नहीं होती है, ये मेरे फादर साहब कहते हैं कि वो समय को बांध सकता है और कोई भी समय को नहीं बांध सकता, कोई भी इंसान नहीं, समय को कौन पकड़ सकता है, समय इज़ अ टाइम ऑफ फ्लो, है ना, टाइम का जो फ्लो है उसको कोई नहीं पकड़ सकता सिवाय एक संगीतकार के, क्योंकि हम समय को बांध देते हैं मात्राओं में कि 10 मात्राएँ, अब ये लूप चलेगा 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10 बार बार, और हम उसके बीच में कितना भी खेल सकते हैं, 1 से 2 के बीच में भी खेल सकते हैं, तो 1 से 5 के बीच में भी, 1 से 1.5 के बीच में भी हम पकड़ लेते हैं लय को, सम को, कहाँ कितना वेरिएट करना है वो हमारे हाथ में होता है। तो ये इसका लय का पक्कापन आने के लिए मेरे ख्याल से इंसान का पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो रियाज की शुरुआत होती है, हम अगर सवेरे की ही बात करें, उठने से लेकर और रात को सोने तक हम पूरे एक समय में बंधे हुए हैं कि अगर हम वक्त पे उठेंगे तो रियाज कर पाएंगे, वक्त पे सोएंगे तो रियाज कर पाएंगे, है ना, और दोपहर में खाने का वक्त अगर निश्चित होगा तो दिन में गाने की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे कभी, है ना, वरना खाने का शेड्यूल अगर इधर उधर हुआ तो गाने का इधर उधर हो जाता है, क्योंकि पेट भरा है तो गाना नहीं गा पाओगे आप, है ना। तो ये है, ये हर चीज़ आपकी शेड्यूल में तय है, वक्त पे तय है किसी को। अब अगर प्रोफेशनली भी इस चीज़ को लें, अगर आप प्रोफेशनली इस लाइन में हैं, आपका स्टूडियो है या आप रिकॉर्डिंग करते हैं और वो सब है, अब उसमें अगर आपने एक आर्टिस्ट को टाइम दे रखा है कि मैं इस टाइम पे पहुंच जाऊंगा और आप नहीं पहुंचते हैं, है ना, और आप आगे पीछे करते हैं, आप थोड़े लापरवाह हैं, तो आप एक अच्छे आर्टिस्ट कभी नहीं गिने जाएंगे लोगों की नज़र में भी और संगीत की नज़र में भी। आलसी और जो मैनेज नहीं होता है ना, जो एक अजीब सा शेड्यूल है, वो कभी भी एक अच्छा कलाकार नहीं बन सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम आपको एकदम शेड्यूल्ड होना चाहिए, जो कहते हैं ना लोग कि मस्त मौला होता है कलाकार, तो बिल्कुल होता है मस्त मौला,
मौला, लेकिन वो फिर प्रोफेशनली वर्क नहीं करता है, है ना, वो इस चीज़ से अर्न नहीं कर रहा होता, वो कमा नहीं रहा होता है, वो स्वांतः सुखाय, वो आत्मरंजन के लिए करता है संगीत। मैंने हमेशा कहा है संगीत जो है वो मनोरंजन के लिए होता है, आत्मरंजन के लिए होता है, मन को खुश करता है, आत्म यानी खुद को खुश करता है। लेकिन अगर आप एक कलाकार हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, आप ऑडियंस को एंटरटेन करना चाह रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस से आप रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाकर सेल कर रहे हैं, उस चीज़ से अर्न कर रहे हैं, तो आप मस्त मौला हो सकते हैं, लेकिन केयरलेस और केयर फ्री में बहुत फर्क है। केयर फ्री रहिए, केयरलेस नहीं, है ना। आप केयरलेस वो होता है जो कभी टाइम का पक्का नहीं है, जिसको भान ही नहीं है, किसी को टाइम शेड्यूल दे रखा, हाँ जाएंगे, जाया नहीं गए, है ना, और कभी टाइम पे गए, गए नहीं गए, टाइम पे काम निपटाया नहीं किया, है ना। और समय का तो आप इतना जानते हैं संगीत में कितना है कि हमारी रागों के समय निश्चित हैं, अगर उस राग को उस समय पे ना गाया जाए तो उसकी तासीर, उसका असर जो है उतना होता ही नहीं है। जब तक भैरव सवेरे ना गवे तब तक मज़ा ही नहीं है, और कल्याण या यमन जो है वो शाम में ना गवे तब तक बात ही नहीं आती है, है ना। तो आप किसी भी फिर उल्टे फुलटे समय पे गाओगे तो फिर काम उतना अच्छा होगा। उसी तरह से पंचुअलिटी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त पर आइए, वक्त पर जाइए, किसी को अगर वक्त दिया है उसी वक्त पे पहुंचिए, देखिए आपका संगीत में भी बहुत अच्छा काम होगा। अगर आपका सम इधर उधर हो जाता है तो कैसे बेइज्जती हो जाती है वहां पे, इंस्टेंट आपकी एकदम। तो उसी तरह होता है आपका जो सम है, यानी आपने किसी को टाइम दिया है तो अपने वक्त पे पहुंचिए, अपने सम पर आइए, है ना। पूरी ताल का आवर्तन आप पूरी अपने अच्छी तान आपने ली, अच्छा कुछ गाया, एक अच्छी लाइन आपने गा के बनाई, अगर वो सम पे ना आए तो किया धरा सब बेकार, सब पे पानी फिर जाता है। उसी तरह से आप कितने ही अच्छे कलाकार हों, बहुत अच्छा आपका काम है, बहुत अच्छा आप गाते हैं, बहुत अच्छा आप बजाते हैं, कंपोज अच्छा कर ले, लिख अच्छा लेते हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर आप वक्त पे ना पहुंचे, आपके सम पे ना पहुंचे, तो निरर्थक है वो सारा, सब व्यर्थ हो जाता है कि यार क्या फ़ायदा क्या हुआ, आपकी इमेज की ऐसी तैसी हो जाती है कि कैसा आदमी है, समय का ही पक्का नहीं है। और जो समय का पक्का होता है वो सादगी में भी अगर गा के आ जाए और सम ले आए तो हम उसे अच्छा मानते हैं, है ना। बहुत बढ़िया तान एकदम बहुत मुश्किल स्वरों में अच्छी आकार में ला के आप सम पे मताओ तो कितनी हंसी उड़ेगी आपकी। और एक है कि सपाट तान सादगी में ला के आप ये लाइन मैंने ऐसी सादी गाई और ये सम पे आया, तो देखिए वाहवा और तालियाँ आपकी हैं, है ना, सारी दाद आपकी है। तो ये वाली बात है, जो मुख्य चीज़ होती है ना वो है सम पे आना। ये नहीं है कि आप कितने चमत्कारिक ढंग से आए हो, नहीं, मुख्य ये है कि सम पे आए हो, आपने पूरा अपने लय का ध्यान रखा, आपने पूरी ताल का ध्यान रखा, सुर सुरावट में थे, है ना। तो इस चीज का ख्याल रखिए, अपनी पंचुअलिटी का ख्याल रखिए, अपने आप संगीत में भी आप वक्त के और लय के और ताल के पाबंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभाव वर्ल्ड का चैनल, मैं कुछ ना कुछ यूनिक टॉपिक्स लाता रहूंगा और आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ नया लाऊंगा जो आपने शायद किसी और चैनल पर या कहीं और ना सुना हो ना देखा हो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कमेंट शेयर कीजिए इसके वीडियोस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचे। धन्यवाद।